गुड मॉर्निंग, कैसे हो बच्चों? हाय, कैसे हो? अरे आ गए पहले सी। वाओ, तैयार हैं बच्चे? ठीक है, और मैं भी तैयार हूँ आपको न्यू वर्क देने के लिए। सो प्लीज लुक एट द ब्लैक बोर्ड। मैं आज आपको इंग्लिश में क्या कराने वाली हूँ? बर्ड्स चेन। जैसे हिंदी में अपन अंताक्षरी करते हैं ना, कि जहां से फिनिश हुआ, खत्म हुआ, हम नया वहां से शुरू करते हैं, इसी तरह से बर्ड चेन में आज आपको कराने वाली हूँ। चेन हम कितनी भी बड़ी कर सकते हैं, बट हमें इतनी ही करानी है, क्योंकि आप छोटे बच्चे हैं ना, तो अभी इतना ही कर पाओगे। मैंने लिखा APPLE, तो इसका एंड हुआ ई। अब हमें ई से एक न्यू वर्ड बनाना है। मैंने बनाया EGGL, लास्ट क्या हो रहा है? जी। जी से हम एक न्यू वर्ड तैयार करेंगे, GOGO। कोई और भी स्पेलिंग लिख सकते हो, मैं आपको छोटी छोटी स्पेलिंग दे रही हूँ, क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड भी छोटा सा ही है। अब ओ आ गया लास्ट में, तो हमने इसका शुरू किया OX, ऑक्स। ठीक है, बस इतना ही कर सकते हैं हम, काफी, बट इतना ही, छोटे हैं आप अभी। बॉय की स्पेलिंग लेते हैं, BOY, बॉय। तो एंडिंग हमारी हो रही है बाई से, तो हम बाई से एक न्यू वर्ड बनाएंगे, YOYO, यो यो। स्पेलिंग आती है, बड़े हंस रहे हो ना, स्पेलिंग आती है इसलिए। अब इसका एंड कहाँ हो रहा है? ई पे, ओ सॉरी ओ पे। अब ओ से न्यू वर्ड बना हमारा ON, ऑन। और ये एन से एंड हुआ, तो इसका बना NOT, नॉट। ठीक है, अब हम आते हैं कैट की स्पेलिंग पर, CAT, कैट। टी इसका एंड है, तो हम टॉय बनाएंगे, TOY, टॉय। वाई इसका एंड है, तो YAK, याक। के से बनाएंगे KEY, की। डॉग की स्पेलिंग DOG, डॉग। डॉग में जी लास्ट आ रहा है, तो हम जी से स्टार्टिंग करेंगे, GIRL। ठीक है, फिर एल से एक न्यू वर्ड बनाएंगे, LIP, लिप। फिर हमें पी से एक न्यू वर्ड बनाना है, PEN, पेन। ठीक है, समझ आ रहा है ना बेटा? फिर अपना आ गया EGGL, कोई स्पेलिंग अगर फिर से उसमें डबल आ रही है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ऐसे। ठीक है, EGGL। जी से स्टार्ट किया हमने गिफ्ट, GIFT, गिफ्ट। टी, टी से स्टार्ट करेंगे, TIP, टिप, किसी को टिप देना। ठीक है, PIN, पिन। फिस, FISS, फिस। एच से बनेगा HEN, हैन। एन लास्ट हो रहा है, तो NEST, नेस्ट। टी से बनाएंगे TOP, टॉप। गन, GUN, गन। तो एन से हम नई स्पेलिंग, न्यू स्पेलिंग, न्यू वर्ड बनेगा NEST, नेस्ट। टी से न्यू वर्ड बनेगा TEN, टेन। आप कुछ और भी लिख सकते हैं, और आपका एन लास्ट हो गया, तो एन से बनाएंगे हम NOSE, नोज। अब ये आपका वर्ड चेन कंप्लीट हो गया। आगे जो आगे जी के बाद जो स्पेलिंग आएंगी, उनको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, और आपका जो ये वर्क है ना, ये अभी तो आप करेंगे ही करेंगे, इसके बाद यही आपको होमवर्क में करना है बेटा। ठीक है, यही आपका होमवर्क है, बहुत सुंदर करना है। और चेन सिस्टम आप समझ गए होंगे, कि जो स्पेलिंग लास्ट हो रही है, उससे हमें एक न्यू स्पेलिंग तैयार करनी है। मम्मी पापा आपकी हेल्प करेंगे, बहुत सुंदर तरीके से आप इसे कर पाएंगे, और बड़ा मजा आने वाला है इसमें, क्योंकि न्यू वर्क है। ओके बेटा, नेक्स्ट सब्जेक्ट आपका हिंदी। आ की मात्राएं हम करा चुके हैं बेटा, आपको आ की मात्राएं के शब्द भी आते हैं। अब मैं आपको ई की मात्रा बताती हूँ, कि ई की मात्रा चढ़ाई किस तरह से जाती है। ठीक है, और ई की मात्रा लगाने के बाद वर्ड को बोला क्या जाता है। जैसे हमने कहा से गया लिख लिया, और इधर से हमारी ई की मात्रा चढ़ेगी। मैंने आपको ऊपर साइन भी दे रखा है कि इस तरह से मात्रा चढ़ती है। तो हम इसको पढ़ेंगे कैसे? के, खे, गे, गे, डे, चे, छे, जे, जे, डे, टे, ठे, डे, 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 ते, थे, दे, धे, ने, पे, फी, बे, भे, मे, ये, रे, ले, वे, शि, सि, सी, ही, छि, त्रि, और गी। इस तरह से बेटा इनको पढ़ा जाएगा। आगे शब्द मैं इनके बाद में कराऊंगी, पहले इन्हें समझे कि ये मात्रा किधर से चढ़ती है, अपनी छोटी की मात्रा। ठीक है, नेक्स्ट सब्जेक्ट होगा आपका मैथ। ठीक है, मैथ में आपको टेबल लिखने हैं। मैंने यहाँ लिखा नहीं है, क्योंकि टेबल आपको 10th तक मैं करा चुकी हूँ बेटा। तो मैथ में टेबल करने हैं 2 और 3 का। ठीक है, लर्न करके, वैसे तो लर्न है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। और EVS में आज स्टार्टिंग कराती हूँ पार्ट ऑफ बॉडी की। ठीक है, पार्ट ऑफ बॉडी आप देख लीजिए, मैंने लिख दिया है इस पर, सुंदर सुंदर आपको लिखना है। लर्न नहीं है, वैसे तो आपको लर्न है, बट भूल गए होंगे, क्या पता आपका। अब नहीं भूलना है बेटा आपको, EYE, आई मीन्स आ, EAR, ईयर मीन्स कान, NOSE, नोज मीन्स नाक, LIP, लिप, लिप मीन्स होंठ, LEG, लैग, लैग मीन्स टांग, FOOT, फुट मीन्स पैर, FACE, फेस मीन्स चेहरा, FING, FINGER, फिंगर मीन्स, समझ गए ना। HEAD, हैड मीन्स सिर, HAIR, हेयर मीन्स बाल, HAND, हैंड मीन्स हाथ,
एन ई सी के नेक मीन्स गर्दन, टी डबल ई टी एस टीथ मीन्स दांत। समझ गए ना बेटा, अच्छे से आपको करना है, मम्मी पापा को परेशान नहीं करना, खाने पीने का ध्यान देना है, ओके, मम्मी की हर बात माननी है। बाय बाय, सी यू टुमारो।